इंटरेस्टिंग व्लॉग्स विल बी कमिंग वेरी सून, तो वो आ चुका है। सो गाइस टुडे आई एम गोना एक्सप्लोर फर्नीचर मार्केट नियर तिलक नगर, और ये जो एरिया है उसको कहते हैं जेल रोड। फॉर दैट स्टे ट्यून गाइस। शॉप को विजिट करने के बाद आई एम एक्सप्लोरिंग टू सेकंड शॉप, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरी दुकान पे, और कुणाल भैया इज विद मी टुडे। हाय कुणाल भैया, हर दिन होते हैं ना, नथिंग न्यू, बट आज अलग व्लॉग है, तो आज कुणाल भैया मेरे साथ है गाइस। गाइज आप ग्लिम्स देख लो, दैट रोड के दोनों साइड यहाँ पे शॉप है, और ये जेल रोड में है गाइज। तो वो तिलक नगर मेट्रो स्टेशन सबसे नियर अबाउट है, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस है, उधर से आप आ सकते हो, आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे छोटी सी ग्लिम्स देख लो, दैट कितना प्यारा प्यारा फर्नीचर, आई रियली लाइक दिस सोफा। एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, बिकॉज ये पिंक सोफा मुझे बहुत प्यारा लगा था, और ये सोफा जो है वो 20,000 बक्स का। यू कैन कम एंड विजिट एंड शॉप फ्रॉम हेयर गाइज। वो जो दो चेयर थी दैट कॉस्टेड ऑफ 15,000 bucks, नहीं 1,500 bucks. I am so sorry. अब हम जाएंगे किसी थर्ड शॉप में, तो जाओ मेरे साथ। तो गाइस फर्नीचर मार्केट में आके ये फील हो रहा है कि मुझे भी फर्नीचर चाहिए घर के लिए। ओके, तो ये देख लो, दिस विल कॉस्ट यू 10,000. सो गाइस देख लो, यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर ही फर्नीचर है, अलमारी ही अलमारी। कुणाल भैया इज डूइंग हिज वर्क। मैं यहाँ दूसरी शॉप पे आ गई थी, और ये सोफा भी मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा था, और ये सोफा था 16,000 to 17,000 का। ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट ये गर्मी नहीं ठीक है यार, बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब आंख ही नहीं खुलती मेरी तो। सो गाइज आई रियली लाइक दिस चेयर, और ये शॉप मुझे बहुत पसंद आई थी, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ था। यहाँ पे मैं चेयर एक्सप्लोर कर रही थी, ये दूसरी चेयर थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो सेम शॉप की। एंड देन द फेवरेट स्पॉट ऑफ टुडे दैट वॉज दिस स्विंग, जहाँ पे मैंने हाफ एन आवर बैठ के अपना टाइम वेस्ट किया है। गाइज आई रियली लाइक दिस स्विंग, और मुझे उतरने का मन नहीं कर रहा है, और ये जो शॉपकीपर वाले भैया है दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, वो कह रहे हैं मैडम बैठे रहो, तो आई एम तो इन्जॉइंग द व्यू। देखो गाइज, और ऐसे तो यहाँ पे लोग रूट थे, बट यहाँ पे ये वाले भैया बहुत अच्छे हैं यार। कुणाल भैया बाय, आई लाइक इट। ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग यहाँ पे आए थे जूस पीने पर, जूस तो नहीं है, तो भी थॉट कि हम कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, है ना कुणाल भैया। कुणाल भैया इज सो डेड यार, गर्मी में शूट करना इज रियली नॉट ईजी गाइज, इट्स रियली टफ। मतलब 2 घंटे में ऐसा होता है कि लगता है कि हम ड्रेन्ड हो चुके हैं, पूरा पूरा ड्रेन। तो अभी पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइज मेरा छोले भटूरे आ गया घर में यार,
It's really good. So guys, I hate Devisha for a reason, and Kunal bhaiya is smiling. So I hate her for a reason. She does a blunder. Bina kuch se puche, and then she called me up and said, "Umra, maine ye kiya hai." And that too, I don't have anything because she already done the damage. So more than I say that I hate her, I love her. I love her so much because she is one of my very closest friends. So Devisha, I hate you. Okay. For whatsoever you have done. So ये दो ही लोग समझ सकते हैं कि देविशा ने क्या किया और क्यों किया. और अगर the second person is watching my vlog, so Devisha, this is wrong. But I still love my work. I don't give a damn anymore. बिकॉज धूप में शूट किया है और कुरकुरे भी खरीद लिया है. अब हम लोग भाग रहे हैं. कहाँ खो गए हम, कहाँ रंग सा ये जहाँ. सब मुझे बोलते तुमने गाना नहीं गाना चाहिए. Shut up guys. So guys, I will suggest you all that Wednesday को furniture market नहीं जाना because half of the shop was closed और ये information हमें नहीं थी. तो yes guys, furniture बहुत cheap होता है, बहुत amazing होता है, आपका होम डेकोर बहुत अच्छा हो सकता है. तो आप प्लीज़ फर्नीचर मार्केट विजिट करना और वेंसडे को छोड़कर आप कभी भी विजिट करना. एंड आई होप यू लाइक माई ब्लॉग. इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू देविशा, आई लव यू. बाय बाय.